देश में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब देश में अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की सरगर्मी तेज है। चुनाव की प्रक्रिया और नतीजे दोनों 6 अगस्त को आने हैं। बीजेपी गठबंधन यानी NDA की ओर से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार के तौर पर मार्गेट अलवा को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि NDA उम्मीदवार की जीत तय है। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM किसका साथ देगी, पार्टी सांसद इम्तियाज जलील से ही सुन लीजिए। वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए मार्गरेट अरवाल जी का नाम की जो घोषणा की गई थी उसके बारे में बहुत चर्चा हुई हमारी पार्टी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, और आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये फैसला लिया है कि मार्गरेट अरवाल जी को AIMIM पार्टी पूरी तरह से साथ देंगी, सपोर्ट करेगी, मदद करेगी। और हमारी ख्वाहिश इसलिए भी है मार्गरेट अरवाल जी इस देश की उपराष्ट्रपति बनकर आए, क्योंकि एक महिला है और साथ ही साथ माइनॉरिटीज से ताल्लुक़ रखती है, और इस देश को बड़ी खुशी होगी अगर एक माइनॉरिटी की मेंबर जो है इस देश की उपराष्ट्रपति बनेगी। यही सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर शरद पवार साहब ने जो मीटिंग कॉल किए थे उसमें हम शामिल हुए हैं, और वी विश मार्गरेट अलवा जी सक्सेस इन दिस इलेक्शन। AIMIM की ओर से ये घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की आवाज़ पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक के तुरंत बाद की गई। दिल्ली में विपक्षी नेताओं की हुई इस बैठक में मार्गरेट अरवाल भी मौजूद थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी ने भी बुधवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार मार्गरेट अरवाल को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी।